Hey guys, hi, welcome back to my channel. This is Tanu here और आप देख रहे हैं मेरे channel Tropical Penguin. So ये कोई weekend vlog नहीं है, ये जो vlog है ये weekdays के बीच में ही है. आज है Wednesday और work from home में आज मेरा second week है और मैं completely frustrated हो चुकी हूँ. Actually क्या होता है, आप जब office जाते हो तब आप लोगों से मिलते हो, बाहर जाते हो, बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे आप घुलते मिलते हो, लेकिन क्योंकि मैं घर पे लास्ट दो वीक से हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ. आई नो कि ये सेफ्टी के लिए हमारे बोला जा रहा है कि आप घर पे घर से काम करो, लेकिन क्या होता है ना, घर से मतलब हमें आदत नहीं होती है तो इसलिए अच्छा नहीं लगता, और कोई अगर होता है तो अच्छा लगता है. तो मैं तो एकदम अकेली रहती हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. तो कोरोना वायरस ने पूरा परेशान करके रखा है, जल्दी से जल्दी ये चले जाए. बहुत जन का हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रहा है, तो मैं यही प्रे करूँगी भगवान से कि बहुत जल्द ये चले जाए. तो आप सोच रहे होंगे कि मैं घर से काम कर रही हूँ लेकिन मैं लिपस्टिक क्यों लगा कर बैठी हूँ, तो क्योंकि मैं हर दिन ऑफिस जाती हूँ तो मैं रेडी होती हूँ, लेकिन लास्ट दो वीक से मैं एकदम घर पर हूँ तो मुझे वो रेडी होने का मौका नहीं मिल रहा है. तो मुझे आज लगा क्यों ना मैं आज एकदम सुंदर बन के मैं काम करूँ. तो मैंने थोड़ा सा जस्ट लिपस्टिक अप्लाई किया था और कुछ भी नहीं किया और जस्ट यही. तो आज है वेनेसडे और अभी वेनेसडे का शाम हो रहा है, मतलब मैंने काम कर लिया है, जस्ट मैंने लॉग आउट किया है मेरे ऑफिस के वर्क से. और अभी मैं खाना ऑर्डर करी थी, मतलब स्नैक्स, चिकन खाई हुई यार. चिकन से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर का खाना हमें कम करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कौन बना रहे, क्या कर रहे, कुछ नहीं. तो इसीलिए मैंने चिकन पास्ता मंगवाया था. मतलब मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, लेकिन मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मैं घर पे खाते खाते कम्प्लीटली बोर हो चुकी थी. तो मैंने चिकन पास्ता मंगवाया था और उसके साथ एक वेलवेट पेस्ट्री मंगवाया था, तो अभी वो खाया और अभी एक चाय पीऊँगी. और अभी मेरा ग्रॉसरी भी जस्ट आया, ग्रॉसरी मतलब थोड़ा बहुत सामान ही मैंने मंगवाया. और मैं घर पे ही खाना वाना सब कुछ बना रही हूँ, सब कुछ मैं खुद से ही कर रही हूँ. मैं बाहर पे जितना हो सके उतना नहीं जा रही हूँ, मैंने मतलब गई नहीं, लास्ट दो वीक से मैं बाहर गई नहीं, लेकिन खाना पीना जब मंगवाना होता है वो तो मुझे ऑर्डर करना ही पड़ता है क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती और शॉप्स क्लोज है, छोटे छोटे जो ग्रॉसरी का स्टोर है वो सब कुछ क्लोज है. तो रन फॉर यू, मैं जहाँ से ऑर्डर करती हूँ हर वक्त वो ओपन है लकीली. एक मिनट, रन फॉर यू है वो ओपन है और इस कारण मैं ऑर्डर कर पाई. तो अभी मैं एक करी बनाऊंगी, मैं एक्चुअली तीन एग देने वाली थी लेकिन याद आया कि कल मेरा वेज है तो दो ही दी हूँ क्योंकि और कुछ नहीं बनाऊंगी आज. और मैंने अभी ग्रॉसरी में ऑर्डर किया है पार्ले जी. पार्ले जी किसके लिए, पार्ले जी मैंने बड़ी के लिए मंगवाया. बड़ी कौन है आपको सबको पता है ना, मेरे घर के पास में जो महाशय रहते हैं, एक मिनट, मैं निकलने से ही वो मेरे लिए वेट करता है कि मैं कुछ उसको बिस्किट विस्किट दूंगी, लेकिन बहुत दिन क्योंकि मैं बाहर ही नहीं जा रही थी तो बिस्किट नहीं ले आई. तो इस बार मैंने पार्ले जी का एक बड़ा सा पैकेट लिया, अभी मैं उसको कुछ दूंगी. उसके पहले मैं पूजा दे देती हूँ क्योंकि शाम हो गया है और मैंने भगवान को अब तक दिया नहीं दिखाया, तो मैं पूजा दे लेती हूँ उसके बाद बात करती हूँ. आई नो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा है इस रोड पर जाते हुए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो कर लेती हूँ ताकि थोड़ा डर कम हो जाए. ये मेरे घर के सामने का ही रोड है लेकिन पता नहीं क्यों आज एकदम अंधेरा सा लग रहा है, एकदम देखिए पूरा अंधेरा है. हर वक्त यहाँ पे स्ट्रीट लाइट होता है, बहुत डरावना टाइप का फीलिंग आ रहा है. आई डोंट नो जाना सेफ होगा या नहीं, फिर भी जा रही हूँ, क्या करूँ, काम है. गाइज हाय, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. मैं इतना दिन भी व्लॉग करती थी लेकिन बीच बीच में मैंने आपको समझ ही आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर फील कर रही थी, तो इस कारण मैंने थोड़ा बहुत ही बीच में व्लॉग किया है, लेकिन वो जस्टिफाइड नहीं है, व्लॉग नहीं है वो एक्चुअली. तो बात यही है कि कल संडे है और कल है 22 मार्च, तो कल है जनता कर्फ्यू. तो मैं तो ऑलरेडी मतलब क्वारंटाइन ही हूँ, आप सबको पता है मेरा वर्क फ्रॉम होम है, उसके साथ मैं कहीं भी बाहर भी नहीं जा रही हूँ. एक दिन मैं पास वाले शॉप में गई थी, कुछ मेरा काम था उस कारण, अदरवाइज मैं नहीं जाती हूँ. तो आप भी प्लीज़ ध्यान रखें. मैंने एक पोस्ट पढ़ा है कहीं पे कि इट्स नॉट कर्फ्यू, इट्स केयर फॉर यू, ऐसा कुछ तो था. तो सही बात है, हमारे केयर के लिए ये सब किया गया है तो हम लोग भी सपोर्ट करना चाहिए उनको.
गवर्नमेंट को, इतना ज़्यादा आप स्टॉक अप मत करके रखें, लेकिन हाँ आपके लिए जितना ज़रूरत हो उतना आप रखें, ज़्यादा मत करें, क्योंकि ज़्यादा करने से एक ही क्या होता है कि जिस किसी को ज़रूरतमंद होता है उसको नहीं मिलता है। अंडमान में मेरे भाई ने फ़ोन करके बताया कि किसी ने तो 25,000 रुपीज़ का ग्रॉसरी शॉपिंग किया, और अमूल जो ताज़ा का जो पैकेट होता है ना, वो पूरा एक 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 कार्टून उसने ख़रीद लिया। तो भाई वही बता रहा था कि उसके कारण अभी वहाँ पे दूध नहीं है, और मेरी नानी को हर दिन दूध चाहिए होता है, क्योंकि उनका एज बहुत हुआ है, चाहिए होता है ना, बच्चे और घर पे अगर एल्डर कोई है तो घर पे दूध चाहिए होता है, तो अभी वहाँ पे दूध नहीं मिल रहा है। बहन मेरी जो बहन है बोना, वो बता रही थी कि किसी ने ओरियो बिस्किट का पूरा कार्टन खरीद लिया। तो ऐसा भी मत करें कि आपकी वजह से और किसी को ना मिले, थोड़ा सा स्टॉक अप करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा बाजार घर पे उठा लें। 25,000 शॉपिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं बता रहा था कि नीचे का एक शॉप है हमारा राहुल ट्रेडर्स, अंडमान से जो भी है तो उसको पता होगा, राहुल ट्रेडर्स काफ़ी फेमस है, हमारे घर के पास में ही है। तो भाई बता रहा था कि वहाँ पे मतलब खाली हो गया, वो लिटरली खाली हो गया। और अंडमान में तो आज है 22 मार्च, कल 21 मार्च था, और कल से ही अंडमान में कर्फ्यू लागू है, अचानक से वहाँ पे कर्फ्यू हो गया है। और वहाँ पे जो बस है, जो प्राइवेट बस है, ऑटो है, जीप है, वो सब बंद है। गवर्नमेंट के बस चालू है, लेकिन उस बस में कुछ चंद ही पैसेंजर ले रहे हैं, बस में ना एक 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 सीट में एक 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 जन को बैठने दे रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना वहाँ पे कितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है। उसके कंपैरेटिवली मुझे मेनलैंड पे थोड़ा कम स्ट्रिक्ट लगा है, लेकिन हाँ यहाँ पे भी कुछ अलग सोच होगा, हर जगह का अलग अलग होता है, इसमें मैं कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन वही है, अंडमान में बहुत स्ट्रिक्ट होता है हर चीज़, मैंने हर वक्त ही देखा है। और उसके साथ पेट्रोल वेट्रोल कुछ भी नहीं है, हमारे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल के लिए कोई भी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है आपको क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो है घर पे, चावल और दाल तो है। और मेरी नानी एक स्टोरी हमें कहती है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, एक मिनट मैं एक चाय लेकर आती हूँ। तो चाय आ गया है और मैं आपको चाय पीते पीते ये वाला कहानी सुनाती हूँ। तो मेरी नानी ने और मम्मी ने कहा ये वाला बात मुझे, मम्मी तब बहुत छोटी थी और मेरी नानी तब ही अंडमान में आई हुई थी, अचानक से वहाँ पे अंडमान में नमक आना बंद हो गया था, नमक मतलब सॉल्ट जिससे खाना में हम डालते हैं स्वाद अनुसार नमक, पहले थोड़ा बंद हुआ, फिर मतलब धीरे 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 सारे दुकान में भी नमक आना बंद हो गया, मतलब क्योंकि अंडमान में हर चीज़ मेनलैंड से आता है, और शिप आना शायद बंद हो गया था कि कुछ कारण के लिए नमक आना बंद हो गया था, और शायद 2-3 महीने के लिए अंडमान में नमक नहीं था। मतलब मेरी नानी जहाँ पे रहती थी, नानी लिटिल अंडमान में रहती थी, लिटिल अंडमान एक छोटा सा एक आइलैंड है, लेकिन वहाँ पे भी लोग रहते हैं, उतना ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे नहीं है, लेकिन काफ़ी काम एंड क्वाइट प्लेस है, और उसके साथ एज कम्पेयर टू अदर आइलैंड छोटा है। तो मम्मी मुझे ये बता रही थी कि मम्मी ने खुद अपने आँखों के सामने देखा है कि समुंदर का पानी को सुखा कर उससे नमक यूज़ करते थे, मतलब इतना हालत ख़राब हो गया था। इसीलिए क्या होता है, अंडमान में अगर कभी भी कुछ चीज़ का ऐसा कर्फ्यू लग जाता है, या फिर अगर एक दिन का भी कर्फ्यू हो जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि नमक आना शायद बंद हो जाएगा, और वो क्या करते हैं, वो नमक को स्टॉक अप करके रखते हैं। तो मेरे घर पे नहीं स्टॉक करते, कोई भी नहीं करता है स्टॉक, लेकिन मेरे घर के पास में एक मेरे मतलब नेबर थे, मुझे याद है वो एक बार 10 पैकेट नमक स्टॉक करके रखे थे, क्योंकि जो थोड़ा पुराने हैं ना अंडमान में, उनको पता है कि नमक का जब स्कैर्सिटी हुआ था तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो इवन अभी भी कुछ भी हो जाए ना, अगर मेरी नानी का फ़ोन आता है तो मुझे कहती है कि चाल डाल, मतलब चाल मतलब चावल, चाल डाल नमक स्टॉक करके रखो तुम। तो मैं कहती हूँ एकदम ना, तुम नमक को क्यों इतना फोर्स कर रही हो? तो कहती है कि हमने देखा है ना वो स्कैर्सिटी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ तुमको, तो मेरा बात सुनो और नमक रख दो अपने पास। तो मैं तो नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा फनी लगता है कि नमक कोई स्टॉक करके क्यों रखेगा। लेकिन जो चीज़ जो फेस करते हैं, शायद वही वाला चीज़ को डरते हैं कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को ये प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए शायद नानी कहती है। तो मेरी नानी का ऐसे बहुत सारा स्टोरीज़ है, वो जब अंडमान में आई थी तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ था, और कभी मैं सुनाऊंगी कि उनको और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ था, बहुत सारे बताते रहते हैं। मतलब मेरी नानी के पास बैठने से ना बड़ा मज़ा आता है, उस टाइम का जो अंडमान है उस बारे में स्टोरी सुनना, मतलब ये मैं बोल रही हूँ आपको 1970s 1980s तब का स्टोरीज़ मैं आपको बोल रही हूँ। मेरे नाना जी भी नहीं है दुनिया में, और मेरी नानी और नाना जी ने बहुत स्ट्रगल करके
जिया है वहाँ पे, क्योंकि वो जब आए थे उनके पास कुछ कपड़े और 3 बच्चे थे और कुछ भी नहीं थे, और उन्होंने कैसे वहाँ पे अपना लाइफ सेट किया। उसके बाद मम्मी मामा मासी को पढ़ाया उनका आगे का सब कुछ, तो उनसे बहुत मतलब इंस्पिरेशन मिलता है कि कैसे कम चीज़ों में हम लाइफ को आगे ले सकते हैं। नानी अभी भी कहती है कि कभी कभी ऐसा होता था कि हमारे घर में चाय पीने के लिए चाय नहीं होता था, तो हम जो चावल के ऊपर का जो पानी होता है ना उसे पी लेते थे चाय सोच के। तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल होता है, शायद नानी के लाइफ में वो वाला स्ट्रगल था और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं सच में। तो ऐसे बहुत सारे और भी स्टोरीज़ हैं, मैं कभी और दिन आपको एक दिन बैठ के छोटा छोटा स्टोरीज सुनाती रहूँगी। बड़ा अच्छा लगता है नानी से बात करना लिटरली। सॉरी मैंने आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो मैंने शायद आपको ये कहा था कि 21 मार्च से अंडमान में कर्फ्यू लागू हुआ, लेकिन 21 मार्च नहीं, 20 मार्च से अंडमान में कर्फ्यू शुरू हो गया और अचानक से कर्फ्यू बताए हैं। कुछ इंटीमेशन कुछ भी नहीं था, अचानक से कर्फ्यू शुरू हो गया है और अंडमान में भी पानी का भी थोड़ा स्कैर्सिटी हो रहा है। तो 20 मार्च से अंडमान में कर्फ्यू लागू हुआ है और आज भी वो लोग लॉकडाउन है, तो अभी वो लोग सब घर में पड़े हुए हैं और मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि क्या कर रही हो क्या नहीं। वो लोग अभी प्लांटेशन कर रहे थे, मतलब मेरा जो भाई है वो पेड़ लगा रहा था घर पे, तो मुझे वही स्टोरी बता रहा था कि मैंने ना सुबह से ये किया वो किया, वही सब बात हो रहा था। और मेरी मम्मी जहाँ पे रहती, मम्मी मोहनपुरा में रहती है, आपको पता ही होगा मैं बहुत सारे वीडियोस दिखाई हूँ मोहनपुरा का, तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। मम्मी जहाँ पे रहती है मोहनपुरा, वहाँ पे महीने में शायद 15 डेज नेटवर्क नहीं होता है। और मम्मी आज क्या कर रही है मुझे नहीं पता। मम्मी थोड़ा सा आगे आती है, मतलब मम्मी जहाँ पे रहती वहाँ से थोड़ा सा पहाड़ में चढ़ने से नेटवर्क आता है, तो मम्मी वहाँ पे आके हमें कभी कभी कॉल करती है। मैं ठीक हूँ, एक्चुअली मम्मी ये बोलने के लिए फ़ोन नहीं आती है कि वो ठीक है, ये बोलने के लिए मतलब ये सुनने के लिए आती है कि हम सब ठीक है ना। तो माँ तो ऐसे ही होता है ना, तो मम्मी वहाँ पे आके हमें बता, मतलब भाई को सुबह फ़ोन करी थी कि सब ठीक है ना, और मुझे भी फ़ोन करी थी लेकिन मैं सो रही थी तो मैं उठा नहीं पाई। फिर से मम्मी थोड़ी देर बाद शायद आएगी, भाई ने बताया मुझे। तो आज है सैटरडे, और क्योंकि मैं हर दिन ही घर पे रह रही हूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, सैटरडे संडे मुझे एक ही लग रहा है। तो मैंने सोचा था कि फ्राइडे का ऑफिस का काम फिनिश करने के बाद मैं थोड़ा सा चल के आर्या वेज होटल जो है, जहाँ पे मैं वेज का थाली खाती थी, वहाँ पे जाके मैं थोड़ा मिनी गुलाब जामुन ले आऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो खाने। लेकिन द थिंग इज़ कल ही मुझे पता चला एक्स्ट्रा और भी 12 केस केरला में पॉजिटिव हुआ है और 5 केस एर्नाकुलम से ही है, मतलब कोच से ही है। तो मैं थोड़ा सा अभी कंसर्न हो रही हूँ यार, क्योंकि धीरे धीरे कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ। और जब ये वीडियो आपके पास जाएगा, मुझे नहीं पता कब जाएगा, मे भी ये भी हो सकता है कि कम हो गया है, लेकिन मैं आज 21 मार्च को वीडियो बना रही हूँ और उस दिन के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो हमारे ग्रुप एक है ऑफिस का, तो उसमें ये न्यूज़ आया, तो तब से मैं ने सोचा है कि मैं नहीं जाऊंगी। और मैं आज ग्रोसरी लाने खुद ही बाहर जाने वाली थी, लेकिन फिर मैं गई नहीं, मैं रन फॉर यू से ऑर्डर कर दी हूँ और पता नहीं कब आएंगे, तो आ जाएगा आज के आज ही। और आज सैटरडे, क्योंकि आज ऑफिस का काम नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं घर का डीप क्लीनिंग करूँगी थोड़ा, और पोछा ओछा आज लगाऊँगी, और जितना हो सके डेटॉल से एक बार पोछ लूँगी ये सब जो आसपास के जो बालकनी है वो सारी जगह पे मैं पोछ लूँगी। मैंने यही सोचा है, आज का मेरा यही प्लान है। खाना कल मैंने बाहर से मंगवा लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉन खाने का मन कर रहा था, और उसके साथ मैंने चावल बनाया था, तो मैंने अभी वही खाया है और उसके साथ अभी मैं पी रही हूँ चाय। अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 आई गेस। तो यही मेरा आज का प्लान है कि डीप क्लीनिंग करना है और उसके बाद खाना बनाना है रात का। और कल तो है कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू, लेकिन मैं तो होम क्वारंटाइन ही हूँ, तो मुझे कुछ लगेगा ही नहीं कि कब कर्फ्यू लगा कब कर्फ्यू उड़ गया है, तो यही सारा बात है बस। तो अब मैं चाय फिनिश करूँगी और उसके बाद करूँगी क्लीनिंग। मैं जब क्लीनिंग करती हूँ ना, मैं गाना चला देती हूँ ताकि मुझे बोर ना लगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है क्लीनिंग करना। और उसके साथ मुझे ये एक प्रॉब्लम है, मुझे डस्ट एलर्जी है, तो जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे तबीयत ख़राब हो जाता है, मतलब मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। तो घर पे मैंने कभी भी क्लीनिंग नहीं किया, नहीं करती हूँ मैं घर पे क्लीनिंग, मेरा दोनों भाई करते हैं, मम्मी कर लेती है, क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है। मैं अगर करती हूँ तो उनको ही ज़्यादा सफ़र होता है, क्योंकि मैं फिर बीमार पड़ जाती हूँ, तो यही एक बात है।